हेलो एवरीवन, जय हिंद। दिस इज मोनाली कुंगानी। जैसा कि हम जानते हैं कि कल 8 जनवरी को MPPSC ने मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज किया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एमपी सेट क्या है। मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट को ऑब्टेन करने के लिए। किसी भी स्टेट में जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना रहता है तो वहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो होता है वो एमपी सेट होता है या यूजीसी नेट होता है। यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट नेशनल लेवल पे कंडक्ट किया जाता है, जबकि मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमपीपीएससी जो है वो कंडक्ट कराती है। एमपी सेट का नोटिफिकेशन 2022-2023 का कल डिटेल्ड नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड हुआ है, तो उसी की जानकारी हम यहाँ पे आगे लेंगे। इससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। इसके अलावा हिस्ट्री से मैं JRF भी हूँ 2019 में। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जनवरी 2018 में मैंने क्वालिफाई किया था। हिस्ट्री से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो PCS एग्जामिनेशन होता है वो मैंने 4 times क्वालिफाई किया है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो MPPSC ने रिलीज की है वो है 4th of June 2023। वन थिंग विच इज टू बी नोटेड डाउन हियर इज ये जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा ये ऑफलाइन कंडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। गौतम IAS अकेडमी के द्वारा फर्स्ट टाइम मध्य प्रदेश सेट, UGC नेट और MPTET के सभी बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। इसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। एमपी सेट के एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिल करने की जो डेट्स दी गई है वो है 27th जनवरी 2023 से 26th फरवरी 2023 तक। इसके अलावा एमपी सेट में टोटल 2 papers होते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट में होते हैं। इसमें फर्स्ट पेपर आपका कंपलसरी होता है जो कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। फर्स्ट पेपर हमेशा कंपलसरी होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा जो सेकेंड पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल मतलब जिस पेपर से आपने या जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया हुआ होता है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर सेकेंड पेपर के तौर पर चूज करना होता है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा जो कि आपका कंपलसरी पेपर है उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। पर क्वेश्चन जो होगा वो 2 marks का होगा। इस बेसिस से जो फर्स्ट पेपर होगा वो आपका 100 marks का कंडक्ट किया जाएगा। इसका जो टाइमिंग होगा वो आपका 1 hour होगा। लेकिन जब हम सेकेंड पेपर की बात करते हैं जो ऑप्शनल है, जो कि इस बार MPPSC 36 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट करा रही है, उसमें जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो 100 होंगे। पर क्वेश्चन जो होगा वो 2 marks का होगा। इस हिसाब से जो आपका टोटल पेपर होगा वो 200 marks का होगा। ये एमपी सेट का पेपर सिंगल डे में बिना किसी गैप के टोटल 3 hours का कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें से पहला जो आवर है वो आपके टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होगा और उसके अलावा बाकी के जो रिमेनिंग 2 घंटे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पर होगा। तो इस हिसाब से जो आपका पेपर है वो टोटल 3 hours का कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा एक चीज जो हमें यहाँ पर नोट डाउन करनी है वो है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अपियर इन द एग्जामिनेशन। तो अगर हम देखें यहाँ पर एमपी सेट के एग्जामिनेशन में बैठने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हमेशा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट को आप चूज करके एमपी सेट का पेपर दे सकते हैं, जिस हिसाब से हम यूजीसी नेट का पेपर देते हैं। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होगा वो हमेशा किसी भी स्ट्रीम में पोस्ट ग्रेजुएशन होगा। पर इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ मिनिमम परसेंटेज का क्राइटेरिया भी होता है। तो अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके जो परसेंटेज होने चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में वो 55% होने चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो अगर आपके मिनिमम 50% भी हैं तो आप एग्जामिनेशन में अपियर हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज हमें ध्यान देनी है। सबसे प्रमुख बात कि जिन अभ्यर्थियों ने सेट 2017 या नेट 2022 तक उत्तीर्ण कर ली है ऐसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि करते हैं तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। अगर आपने
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑलरेडी सेट या नेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप उस सब्जेक्ट से दोबारा अपियर नहीं हो सकते। हाँ, अगर किसी और सब्जेक्ट से आपने ऑलरेडी मास्टर्स किया है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपका नेट या सेट क्लियर नहीं है, तो डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर गौतम IAS एकेडमी के बैनर के अंतर्गत मध्य प्रदेश सेट, UGC नेट और MPTET की क्लासेस लॉन्च हो रही है। इसमें हिस्ट्री के जो भी बैचेस होंगे वो यहाँ पर मेरे द्वारा लिए जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी डिटेल्स हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।